हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर्स हाउस। वंस अगेन मैं नामिका सिंह और आज का मेरा टॉपिक या मेरा एक्सप्रेशन जो हम सीखने वाले हैं वो है नो लॉन्गर। नो लॉन्गर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा काम या कोई ऐसी पोजीशन, ऐसी डेजिग्नेशन जो हम पहले तो होल्ड करते थे लेकिन अब नहीं करते। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, पहले मैं जॉब करती थी लेकिन अब नहीं करती, पहले मेरे पास मोबाइल था अब लेकिन अब मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है, पहले मैं तुमसे बातें किया करती थी लेकिन अब नहीं करती, पहले हम वहां रहा करते थे, पहले हम वहां रहते थे लेकिन अब नहीं रहते। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो पहले हमारे पास होती थी लेकिन अब किसी रीजन से नहीं है। तो उनके लिए एक छोटा सा एक्सप्रेशन है नो लॉन्गर, कैसे यूज करते हैं आइए देखें। एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया है ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है कि वो किस ग्रामर में सेंटेंस बोल रहे हैं, किस टेंस में सेंटेंस बोल रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली यहाँ पे यूज होगी। मैंने यहाँ पे इज़ेमार लिख दिया क्योंकि इज़ेमार में सेंटेंस मैक्सिमम बोले जाते हैं। नेक्स्ट नो लॉन्गर, नो लॉन्गर के बाद ऑब्जेक्ट या वर्ब यहाँ पे डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में जो सेंटेंस आप बोलेंगे अब नहीं के लिए, नो लॉन्गर के लिए, वहां पे कोई वर्ब एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर वर्ब एग्जिस्ट करती है तो वहां पे वर्ब का यूज होगा और कौन सी फॉर्म यूज होगी वो भी अकॉर्डिंग टू द ग्रामर होगी, और अगर वर्ब नहीं है तो कोई ऑब्जेक्ट होगा वहां पे, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। देखिए, एक एक सेंटेंस हम बनाएंगे, उन सेंटेंसेस के थ्रू आप बेहतर समझ पाएंगे। अब वह मेरे संपर्क में नहीं है, यानी कि अब वो मेरे टच में नहीं है। किसी दोस्त की बात कर रहे हैं, किसी फ्रेंड की बात कर रहे हैं कि वो पहले मेरे साथ रहती थी लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है, अब हम दोनों टच में नहीं है, संपर्क में नहीं है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट, अब वह मेरे संपर्क में नहीं है। मैंने एक मेल पर्सन को यहाँ पे कंसिडर किया है तो सब्जेक्ट हो गया ही। मेल पर्सन सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आई होता तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगती वो एम होती। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट कोई प्लूरल होता या यू होता तो हम आर का यूज करते। फिलहाल यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो एक सिंगुलर पर्सन है इसलिए हमने इसका यूज किया। सब्जेक्ट इज, देन नो लॉन्गर, और फिर टच में नहीं है, मेरे संपर्क में नहीं है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखिए कैसे सेंटेंस बना, ही इज नो लॉन्गर इन टच विद मी, अब वो मेरे साथ नहीं है या मेरे संपर्क में नहीं है या मेरे टच में नहीं है। देखिए कितनी आसानी से एक ऐसा सेंटेंस जो हमारी डेली कन्वर्सेशन में यूज होता है, हम बहुत सारी बातें ऐसी बोलते हैं, एक छोटे से एक्सप्रेशन के थ्रू हम बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम एक साथ नहीं रह रहे हैं, अब हम एक साथ नहीं रह रहे हैं। अब ये देखिए कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, अकॉर्डिंग टू द टेंस यहाँ पे वर्ब की फॉर्म लगेगी और हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो देखिए, अब यहाँ पे बार बार आप ये सोच रहे होंगे कि अब का यूज क्यों नहीं हो रहा है, नाउ का यूज क्यों नहीं हो रहा है, राइट नाउ का यूज क्यों नहीं हो रहा है। सिर्फ इसलिए क्योंकि नो लॉन्गर में ये सब कुछ इंक्लूडेड है, अब हमें अब और अभी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, नाउ लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम एक साथ नहीं रह रहे हैं, अब हम एक साथ नहीं रह रहे हैं। सब्जेक्ट कौन है, वी, वी चूंकि प्लूरल है इसलिए आर लगेगा। वी आर, अगेन नो लॉन्गर, वी आर नो लॉन्गर। वर्ब यहां पे है क्या, वर्ब है साथ में रहना, रहने को लिव कहते हैं, चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए यहां पे हम लिव का लिविंग कर देंगे। तो वी आर नो लॉन्गर लिविंग साथ में टूगेदर, हम लोग अब एक साथ में नहीं रह रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अब मैं टीचर नहीं हूं। सपोज कभी मेरा प्रोफेशन था और अब मैं टीचर नहीं हूं, तो लोगों से क्या कहूंगी, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि अभी भी आप वहां पढ़ाती हैं क्या, तो मैं कहूंगी नहीं नहीं अब मैं टीचर नहीं हूं। तो कैसे बोलूंगी, सब्जेक्ट कौन है, आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम, फिर नो लॉन्गर, और फिर चूंकि यहां पर कोई वर्ब नहीं है तो ऑब्जेक्ट है टीचर। तो आई एम नो लॉन्गर अ टीचर, अब मैं टीचर नहीं हूं या अब मैं टीचर नहीं रही। नेक्स्ट इज, अब पापा मुझे पैसे नहीं दे सकते हैं, पहले दिया करते थे, पहले पैसे रहे होंगे, कंडीशंस रही होंगी, अब वो किसी रीजन से मुझे पैसे नहीं दे सकते हैं। देखिए यहां पे दो बातें हैं, कोई काम ऐसा हो रहा है, कोई काम ऐसा है जो पहले हो रहा था और अब नहीं हो रहा है, दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है। अब पापा मुझे पैसे नहीं दे सकते, सब्जेक्ट पापा, दे सकते, यहाँ पे इज़ेमार मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए मैंने इज़ेमार को मेंशन किया है,
जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जो मॉडल वर्ब लगेगी, वो अकॉर्डिंग टू द ग्रामर लगेगी। यहाँ पे सकते हैं यानी कि कैन का यूज हो रहा है, तो पापा कैन सब्जेक्ट हो गया पापा, हेल्पिंग वर्ब की जगह मैंने कैन का यूज किया, देन नो लॉन्गर का यूज किया, और फिर वर्ब, क्योंकि कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, यहाँ पे वर्ब है देना, और देने को इंग्लिश में गिव कहते हैं, गिव मी मनी, ऑब्जेक्ट हो गया मी मनी। तो पापा कैन नो लॉन्गर गिव मी मनी, अब पापा मुझे पैसे नहीं दे सकते, पहले देते होंगे। नेक्स्ट, अब वह मुझसे नहीं मिलती है, पहले अक्सर मिला करती थी या पहले मिलती थी या पहले हमारे साथ रहती थी, लेकिन अब वो मुझसे नहीं मिलती है। तो देखिए, पहले से मैंने अभी को कंपेयर किया कि पहले वो मेरे साथ मिलती थी, पहले मुझसे मिलती थी, मेरे साथ बैठती थी, लेकिन अब वो मुझसे नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ पे नो लॉन्गर का यूज होगा। तो अब के लिए नाउ का यूज नहीं होगा क्योंकि नाउ नो लॉन्गर में ही इंक्लूडेड है। शी नो लॉन्गर मीट्स मी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये अगर देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे शी के साथ डज लगना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है इसलिए यहाँ से डज को रिमूव कर दिया गया, और जब डज रिमूव किया गया तो मीट का मीट्स हो गया। तो शी नो लॉन्गर मीट्स मी, अब वो मुझसे नहीं मिलती है। नेक्स्ट, अब मैं नौकरी में नहीं हूं, पहले मैं नौकरी करता था या नौकरी करती थी, अब मैं नौकरी में नहीं हूं, तो आई एम नो लॉन्गर, और ऑब्जेक्ट क्या है, इन जॉब, अब मैं नौकरी में नहीं हूं। नेक्स्ट, अब तुम्हारा मोबाइल काम नहीं करता, अब वो बेकार हो गया है, पहले अच्छा था, पहले काम करता था, नया था, लेकिन अब वो पुराना हो गया और अब वो मोबाइल काम नहीं करता। तो कैसे बोलेंगे, सब्जेक्ट है यो मोबाइल नहीं करता, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगेन यहां पे डज लगना चाहिए, डज को हमने रिमूव कर दिया, और जब रिमूव कर दिया तो वर्क का वर्क्स हो गया, तो यो मोबाइल नो लॉन्गर वर्क्स। नेक्स्ट, अब वह ऐसा नहीं है जैसा एक साल पहले था, तो देखिए कैसे, ही इज, ही सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर पर्सन है इसलिए इसका यूज हुआ, फिर नो लॉन्गर का यूज हुआ, वो अब वह ऐसा नहीं है जैसा कि, वॉट ही वॉज वन ईयर एगो, जैसा कि वो एक साल पहले था। आगे देखिए, एज पर द ग्रामर यहां पे मैंने सेंटेंस को फ्रेम किया। नेक्स्ट, अब हम वहां नहीं रहते हैं, पहले हम किसी पुराने घर में रहते थे, पुराने मोहल्ले, पुराने शहर में रहते थे, और आप मुझसे पूछते हो कि अभी भी आप वहां रहते हैं क्या, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, नहीं नहीं अब हम वहां नहीं रहते, हम कहीं और रहते हैं। अब हम वहां नहीं रहते का तो सीधा सा मतलब है कि पहले हम वहां रहते थे, तो देखिए दो बातों को कंपेयर कर रहे हैं कि अब हम वहां नहीं रहते जहां पहले रहते थे। तो अब हम वहां नहीं रहते, सब्जेक्ट कौन है, वी, मैंने फिर से बताया कि यहां पे नाउ या राइट नाउ का यूज नहीं होगा, वी नो लॉन्गर, हेल्पिंग वर्ब का यूज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये फिर से एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहां पे वी के साथ डू लगना चाहिए था, डू यहां से मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, वहां से हटा दिया, तो वी नो लॉन्गर लिव हियर, अब हम यहां नहीं रहते हैं, या अब हम लोग वहां नहीं रहते हैं, वहां के लिए सॉरी हियर की जगह आप देर कर लीजिए, तो अब हम वहां नहीं रहते हैं। तो देखिए इस तरह के सेंटेंसेस हम बहुत बार बोलते हैं हमारी डेली कन्वर्सेशन में, पहले ये ऐसा होता था अब नहीं होता है, पहले मैं तुमसे मिलता था अब नहीं मिलता हूं, पहले मैं ये खाता था लेकिन अब नहीं खाता हूं, पहले मैं हिंदी बोलता था लेकिन अब मैं हिंदी नहीं बोलता हूं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम अपनी कन्वर्सेशन में बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच।